दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है संगीत और स्वास्थ्य, संगीत और स्वास्थ्य मैंने इसलिए इसका नाम चुना है क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए म्यूजिक बहुत जरूरी है। आप देखते होंगे, आप जिम में जाते हैं तब भी म्यूजिक बजता है, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तब भी आपके कानों में हेडफोन होते हैं। इसके संगीत और स्वास्थ्य का ऐसा जोड़ है कि संगीत अगर आप पसंद से अच्छे से सुनेंगे, इंजॉय करेंगे, तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। और धन्यवाद देता हूँ, और इसके साथ मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को हमारे को सपोर्ट किया। मतलब हर एक ने कहा कि ये प्रोग्राम आप करो, बहुत अच्छा, हम तुम्हारे साथ हैं। सबसे पहले मैं राज चौधरी जी का खास तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। ये एक ऐसा नाम है जो कि आने वाले टाइम में आप इनका रबड़ी के नाम से सुनेंगे। ये एक ऐसा ब्रांड आ रहा है जैसे हल्दीराम का ब्रांड है, बीकानेर का है, वैसे ही हमारे राज चौधरी का रबड़ी करके आ रहा है। अभी आप लोगों ने जो थोड़ी सी स्वीट टेस्ट करी वो इन्हीं की थी। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए राज चौधरी जी। उसके बाद अक्षय स्टोगी जी अपने पोटा कैबिन के अंदर नंबर वन है इंडिया में, और अयोध्या के एयरपोर्ट पे भी ये काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए होनी चाहिए। और दोस्तों, मैंने जो भी जितनी भी पब्लिसिटी करी, जितने भी मैंने मैसेज दिए, मेरे को सबका एक ही क्वेश्चन आया कि दिनेश, आपका नॉट मेकर तो हम कई सालों से सुन रहे हैं, ये टीम अचीवर क्या है? और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ हैं, और उनका नाम है मोनू चौहान जी। मैं चाहूंगा कि मोनू चौहान जी खुद आगे दो मिनट के लिए अपनी टीम अचीवर के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अच्छा, अपना ये है जब जागो तब सवेरा। तो टीम अचीवर एक कंपनी है जो हम प्रॉपर्टियां, जिसके अंदर जो टॉप 3 डेवलपर्स होते हैं हर शहर के, उसको हम एक तरह से माल बेचते हैं, ट्रेडर्स। लेकिन उसके साथ साथ जो आप देख रहे हो मनुभूमि भी स्टार्टेड जस्ट 6 मंथ बैक। हमारे पार्टनर बैठे हैं CTO साहब राम सर, तो ही इज फ्रॉम US न्यूयॉर्क। तो हमने अपने वेंचर्स स्टार्ट करा है, और फॉर्चुनेटली हमने पहला प्रोजेक्ट है जो लॉन्च होगा अप्रैल में, और उससे पहले हम ओवरसोल्ड हो चुके हैं। इसके बाद हम जिम कॉर्बेट में आने वाले हैं, जिम कॉर्बेट के बाद हम गोवा में आने वाले हैं, और गोवा के बाद काशी वृंदावन में आने वाले हैं। तो दिल्ली में, मैम, दिल्ली में हम अभी नहीं आ रहे, दिल्ली में से पहले हम जहाँ पे अयोध्या, गोवा, जिम कॉर्बेट, काशी और वृंदावन में हम आने वाले। तो अयोध्या में हम प्रोजेक्ट अप्रैल में बहुत बैंड तरीके से लॉन्च करेंगे, और ये मेरी कमिटमेंट है टू यू ऑल ऑफ यू कि अंधे को भी हमारा ऐड दिखेगा आने वाले वक्त में। जस्ट रिमेम्बर वन ने मनुभूमि। तो ज्यादा समय ना लेके हमारे जितने भी मेरे भाई लोग, हमारे सांसद जी, मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरी फ्रेंड ऋचा मेहता, पवन भाई जो नजर बट्टू यूट्यूब चैनल के यूट्यूबर हैं, और रवि भाई स्पेशली दुबई से आए आज सुबह की फ्लाइट लेके, और महिमा, तो जितने भी फाइव मिस एनिमन, तो थैंक यू एवरीवन। और जो दिनेश सर का खासियत है तो ये तो आपको पता ही है। तो आने वाले टाइम में जो लोगो आपने भी देखा था, और इसको आप ध्यान रखना, पेटेंट है, 20 लाख रुपए की इस पे जुर्माना हो सकता है किसने चोरी करा। तो मनुभूमि द लैंड ऑफ सियाराम। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू दिनेश सर। हाल कैसा है, क्या ख्याल? वेरी नाइस, सो यू ऑल आर सुपर एक्साइटेड। प्लीज अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि सब आज बहुत फन करने वाले हैं और म्यूजिकली एंजॉय करने वाले हैं। हमारे बीच में आ रही है, मुंबई से स्पेशली आई हुई है हमारे शो के लिए, हमारे बीच परफॉर्म करने के लिए, अनुजा। वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। मेरे हम मेरे दोस्त जाके।
देंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों में कहीं भी तुम चाहिए रहना कुछ तो लोग कहेंगे
आज हम सब यहाँ पर संगीत और स्वास्थ्य इन ब्यूटीफुल प्रोग्राम तो ये खुश रहने के लिए, तालियां बजाने के लिए और अपनी सेहत को ठीक करने के लिए, मैं आपका सबका अरोरा जी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही सुंदर इवनिंग का यहाँ ऑर्गेनाइज किया है नॉट मेकर्स और टीम अचीवर्स का। मुझे नॉट मेकर्स इसलिए पता है क्योंकि दिनेश भैया के साथ 25 साल पुराना रिश्ता है, तो हर साल प्रोग्राम करते हैं, बुलाते हैं और बहुत इंजॉयमेंट सबको देते हैं। और बड़ा अच्छा है इन्होंने इस बार इसका थीम संगीत एंड स्वास्थ्य रखा है। मुझे लगता है कि वो दोनों चीज़ें वैसे कहने की बात ही नहीं, वो अपने आप में संगीत में स्वास्थ्य है ही, बिकॉज संगीत तो एक थेरेपी की तरह है। और शायद वो नतीजा थेरेपी का यही था जो भाई साहब यहाँ पर आकर के डांस करने लगे थे, वो एक नेचुरल इसका मुझे लगता आउटकम है म्यूजिक का। इसी जैसे संगीत का आनंद ले रहे हैं वो भी उसी आनंद में, उत्सव में उसको मनाए। बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच।